आज रविवार का दिन है। राजू के परिवार ने सोचा है क्यों ना आज बाजार का चक्कर लगा लें। बाजार जाने के लिए राजू के पिताजी गाड़ी निकालते हैं। राजू की माँ आगे बैठ जाती है और दोनों बच्चे पीछे। बाजार जाते वक्त वे गाड़ी की खिड़की से कई इमारतें देखते हैं। सबसे पहले दिखता है एक मंदिर जहाँ पुजारी जी आरती करवा रहे होते हैं। कुछ आगे जाकर एक गिरजाघर भी दिखता है जहाँ रविवार के दिन कई लोग पूजा करने आते हैं। पूजा करने की और भी जगह है राजू के शहर में, जैसे मस्जिद और गुरुद्वारा। गाड़ी गिरजाघर से आगे लेते हैं तो राजू को दिखता है एक बैंक, कचहरी और पोस्ट ऑफिस। सभी आज बंद हैं, आज रविवार जो ठहरा। थोड़ी आगे मिलता है अस्पताल। बाहर एक नर्स और डॉक्टर अंदर जाते हुए दिखते हैं। पिताजी, अस्पताल की रविवार को भी छुट्टी नहीं होती? हाँ राजू, ऐसे बहुत लोग हैं जो रविवार को भी काम करते हैं। बहुत सी जगह रविवार को वैसी ही खुला करती हैं जैसे सप्ताह के किसी और दिन, जैसे पुलिस स्टेशन, दमकल केंद्र, होटल और धर्मशाला। अरे बाजार आ गया, उतरो बच्चों, बाजार देखो। ये भी तो पूरा का पूरा खुला है। कितने अलग अलग लोग यहाँ काम कर रहे हैं। दुकानदारों ने रंग बिरंगे कपड़ों से सजी दुकानें खोल रखी हैं। वो देखो, चाय वाला अपने बच्चे के साथ रेड़ी लगाए हुए है। वहाँ वो लड़की फूल बेच रही है। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठकर फूलों के हार गूंथ रही हैं। हाँ, और अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। वो अंकल तो बस बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। हाँ राजू, हम सभी कुछ न कुछ काम हर वक्त करते ही हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो या उससे कोई पैसा न कमाया जाता हो। जैसे तुम्हारे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं जिससे उनकी महीने की आमदनी होती है। मैं कॉलेज में पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ से मुझे भी एक मासिक आय मिलती है। लेकिन जो काम मैं घर पर करती हूँ, जैसे खाना पकाना, उसकी तो कोई आय नहीं होती। माँ, मेरी तो किसी काम से आय नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि अभी तुम शिष्य हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। तुम उस पर ध्यान दो राजू, ताकि तुम्हें और अन्य शिष्यों को पढ़ाई करने के लिए सब साधन और सुविधाएं मिले। तुम्हारे स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल, चौकीदार और सफाई कर्मचारी, ये सब भी काम करते हैं। अच्छा, अब बताओ सुबह से शाम तक तुम क्या क्या काम करते हो? मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल में ढेर सारी पढ़ाई करता हूँ, फिर वापस आकर दीपू के साथ खेलता हूँ, होमवर्क करता हूँ और फिर रात का खाना लगाने में माँ की मदद करता हूँ। ये सब तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है। घर में किए जाने वाले काम और अपने लिए किए जाने वाले काम, ये सब भी काम ही तो हैं। हाँ राजू, और एक इंसान सब काम नहीं कर सकता, इसलिए अलग तरह के काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। जैसे कि अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। घर में नल खराब हो जाए तो नल ठीक करने वाले भैया को बुलाना पड़ता है। कभी यहाँ से वहाँ जाने के लिए रिक्शा या ऑटो चालकों की मदद लेनी पड़ती है। मैं सोच रहा हूँ कि घर जाकर मैं एक सूची बनाऊँ उन सब लोगों की जो कि अलग अलग काम करते हैं। जरूर बनाना राजू। तुम जितने लोगों को जानते हो या अपने आसपास देखा है, उन सब के काम का जिक्र उसमें करना। लेकिन उससे पहले बताओ, आज हमने क्या क्या बातें करी? हमने आज समझा अलग अलग लोगों के अलग अलग काम के बारे में। हमने बात करी कि कुछ काम करके कमाई करी जाती है, कुछ से नहीं। हमने यह भी जाना कि जीवन के हर क्षण हम कुछ न कुछ काम कर ही रहे होते हैं। जो काम हम घर के लिए या अपने लिए करते हैं, वह भी तो काम है। शाबाश राजू, चलो अब चलकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छी किताबें खरीदते हैं।